दोस्तों फाइनली जाकर ये हनी सिंह का टुगेदर फॉर एवर सॉन्ग रिलीज हो चुका है, जो कि इस सॉन्ग को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस सॉन्ग में हमें हनी सिंह पुराने लुक में दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमें हनी सिंह इसके पहले 2012 के सॉन्ग में दिखाई दिया करते थे। लेकिन फाइनली काफी लंबे समय के इंतजार के बाद ये हनी सिंह कम बैक कर चुके हैं। हमें वही हनी सिंह दिखाई दे रहे हैं जो कि हमें पुराने सॉन्ग में दिखाई दिया करते थे, वही स्लिम बॉडी जो कि हमें हनी सिंह की पहले देखने को मिला करती थी। फिलहाल आपको बता दें कि सॉन्ग पर बादशाह का रिएक्शन आया, हो सकता है कि आपके कानों को भरोसा नहीं हो, लेकिन आपको बता दें कि यह बात बिल्कुल भी सही है और बादशाह का इस पर रिएक्शन आया। उन्होंने जो हनी सिंह की सॉन्ग को लेकर एंड हनी सिंह को लेकर क्या कुछ कहा, सभी चीज इस वीडियो में आपको बताने वाले, इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर रखें, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि इस सॉन्ग की लिरिक्स तो हमारे हनी सिंह ने ही लिखी है, और साथ ही इस सॉन्ग के कंपोजर भी हनी सिंह है, साथ ही सॉन्ग का म्यूजिक जो है होमे और दिल्ली बाला ने दिया है। चलिए भी आपको बता दें कि बादशाह ने हनी सिंह के सॉन्ग पर क्या रिएक्शन दिया। तो आपको बता दें कि बादशाह ने हनी सिंह के सॉन्ग रिलीज होते ही कुछ घंटे बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली, जहां पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर यो हनी सिंह के सॉन्ग को शेयर करते उस पर लिखा, दिस म्यूजिक एंड रैप ऑसम यो हार्ट इमोजी। जिसे आप समझ सकते हैं कि बादशाह के इस रिएक्शन के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि बादशाह को भी यो हनी सिंह का लुक एंड उनका म्यूजिक एंड साथ ही सॉन्ग का रैप उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो आप हमें बताएं कि बादशाह ने जिस तरह से यो हनी सिंह के सॉन्ग पर रिएक्शन दिया एंड साथ ही यो हनी सिंह को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और साथ ही आपको उनका रिएक्शन कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखें। वीडियो चला तो लाइक करें और इसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।